आज ही डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर होगा अब आपके सभी मैथ्स, केमिस्ट्री, फिजिक्स और बायोलॉजी डाउट्स का सफाया। बस अपने क्वेश्चन की फोटो खींचो, उसे क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सॉल्यूशन पाओ। डाउनलोड नाउ। हेलो गाइस, इस क्वेश्चन में बोला गया टू पार्टिकल्स आर प्रोजेक्टेड साइमल्टेनियसली फ्रॉम ए पॉइंट विद डिफरेंट स्पीड्स एंड अलोंग द डिफरेंट डायरेक्शंस। व्हेन बोथ द पार्टिकल्स आर इन एयर, देन व्हाट विल बी द पाथ ऑफ वन पार्टिकल विद रिस्पेक्ट टू द अदर। ठीक है, तो वो बोल रहा है कि एक ही पॉइंट से दो पार्टिकल प्रोजेक्ट किए जाते हैं। ठीक है, दो डिफरेंट डायरेक्शन में अपने जो पार्टिकल्स हैं वो ए एंड बी हैं, वो इसी पॉइंट से प्रोजेक्ट किए जा रहे हैं दो डिफरेंट डायरेक्शन में विद डिफरेंट वेलोसिटी। तो एक पार्टिकल ए हो गया अपना, दूसरा पार्टिकल ए हो गया। ठीक है, ये अपना ये पार्टिकल है, इसका जो एंगल है वो मान लेते हैं थीटा ये, एंड इसकी जो वेलोसिटी वो यू है। सिमिलरली दूसरे पार्टिकल का जो वेलोसिटी है वो यू भी है, एंड जो हॉरिजॉन्टल के साथ एंगल है वो थीटा भी है। ठीक है, तो अपनी पार्टिकल ए की वेलोसिटी क्या हो जाएगी इन वेक्टर फॉर्म, तो वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल ए लिखूंगा, ये हो जाएगी अपनी यू ए साइन थीटा ए आई कैप, ओके, प्लस यू ए जे कैप होगा ना, साइन थीटा वाला कंपोनेंट क्या आएगा वर्टिकल डायरेक्शन में जे कैप, एंड यू ए कॉस थीटा ए ऑफ आई कैप। ठीक है, दूसरे वेलोसिटी ऑफ बी पार्टिकल बी क्या हो जाएगी अपनी, वी वी वैक्टर इज इक्वल टू, ये हो जाएगी यू बी साइन ऑफ थीटा बी जे कैप प्लस यू बी कॉस थीटा बी ऑफ आई कैप। ठीक है, दोनों पे एक्सीलरेशन क्या लग रहा है, एक्सीलरेशन ऑफ पार्टिकल ए इज डाउनवर्ड है माइनस जी जे कैप का। ठीक है, एंड एक्सीलरेशन ऑफ पार्टिकल बी कितना है अपना, डाउनवर्ड माइनस जी जे कैप का। ठीक है, तो कई सब एक दूसरे के रिलेटिव में हम देखेंगे, मीन्स अगर हम रिलेटिव एक्सीलरेशन निकालें ए का विद रिस्पेक्ट टू बी तो ये क्या हो जाएगा अपना जीरो। ठीक है, और ए की रिलेटिव वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू बी कुछ कॉन्स्टेंट स्पीड होगी, एक्सीलरेशन जीरो है अपना, तो मतलब मान लेते हैं एक जो अपना पार्टिकल ये है उसके लिए ये पार्टिकल से देख रहे हैं तो ये पार्टिकल अपना ए पाथ फॉलो कर रहा है। ठीक है, और जो पार्टिकल बी है वो कुछ ए पाथ फॉलो कर रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे हम देख रहे हैं तो ये तो अपना पार्टिकल ये रेस्ट होगा, इसके लिए कैसे दिखाई देगा इसके लिए, क्योंकि एक्सीलरेशन जीरो है, कुछ कॉन्स्टेंट वेलोसिटी से ट्रैवल कर रहा है, तो ये क्या दिखाई देगा इसको, स्ट्रेट लाइन में ट्रैवल करता हुआ। क्योंकि गाइस जब अपना एक्सीलरेशन जीरो होता है, ठीक है, और किसी पार्टिकल के पास एक वेलोसिटी है, अब उसकी वेलोसिटी तो चेंज नहीं हो सकती, वेलोसिटी क्या बताती है अपनी डायरेक्शन, फिक्स डायरेक्शन में वेलोसिटी मूव कर रहा हो तो उसी डायरेक्शन में उसकी वेलोसिटी रहने वाली है, मीन्स जो पार्टिकल मूव करेगा वो स्ट्रेट लाइन में मूव करेगा। ऑप्शन थर्ड इज अवर करेक्ट। थैंक यू। क्लास 6 से 12 से लेके नीट IIT JEE मेंस और एडवांस के लेवल तक 10 मिलियन से ज्यादा स्टूडेंट्स का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप कीजिए अपने डाउट्स 8400400400 पर।